हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द शेफ। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए गोभी मटर और टमाटर की सब्ज़ी। जी हाँ फ्रेंड्स, गोभी की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है, बहुत ही मज़ेदार लगती खाने में। तो हमने आपके लिए किस तरह बनाई है देख लेते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स, यहाँ पे हमने एक गोभी लिया है, मटर लिए हैं एक बाउल और टमाटर लिए हैं, 6 से 7 हमने टमाटर लिए हैं और इन गोभी को हम काट लेंगे पीसेस में। अब हमने एक बाउल में पानी गर्म करा है, एक बर्तन में पानी गर्म करने के बाद हम इस गोभी को उस पर डाल देंगे और इस गोभी को हम उबलते हुए पानी में डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम पानी को उबाल लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी कुछ कीड़े बीड़े होते हैं तो उबलने से ही निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हम इस गोभी को उबाल लेंगे अच्छे से। और अब हमने जो टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें हैं इनको हम मसाला बना लेंगे, इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। और एक कढ़ाई में हमने तेल गरम करा है 100 ग्राम के करीब, उसमें हम 1 टीस्पून डाल देंगे ज़ीरा और जो हमने मसाला पीस के तैयार किया है ये मसाला हम इसी कढ़ाई में डाल देंगे। और 1/4 टीस्पून डाल देंगे हम हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डाल देंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट और इस मसाले को हम अच्छे से मिक्स करते हुए चम्मच चलाएँगे ताकि चिपके नहीं। और हम साथ साथ डाल देंगे 1 टीस्पून रेड मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और ये हमारे मसाले जो मिक्स करें हमने, इन्हें हम मिक्स करते हुए चलाते जाएंगे ताकि मसाला नीचे चिपके नहीं। और इस मसाले को हमें भुनना है, इस मसाले को हमें मसाला भुनने तक ही भुनना है अच्छे से। तो यहाँ पे हमारा मसाला लगभग पानी सूख चुका है और आप देख सकते हैं ये अच्छे से भुनने की तैयारी पे है। और हम साथ साथ इसमें ऐड कर देंगे नमक स्वाद अनुसार। अगर हम मसाले को चलाते हुए भूनते हैं तो ये मसाला नीचे चिपकता नहीं है फ्रेंड्स, और अगर हम ढाक देंगे पानी डाल डाल के भुनेंगे तो मसाला जल्दी भुनता नहीं है फिर। तो ये देखिए, ये हमारा मसाला कढ़ाई और चम्मच छोड़ चुका है, तो यानी कि ये मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। और इस मसाले में हम ऐड कर देंगे जो हमने अपनी गोभी को उबाल के रखा था, इस गोभी को डाल देंगे। और हमने जो मटर लिए हैं, मटर भी हमने उबाल लिए हैं, गोभी और मटर दोनों चीज़ें हम इसी में ऐड कर देंगे। और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा मसाला भुना हुआ है, टाइट है, तो हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला और सब्ज़ियाँ अच्छे से मिक्स हो जाएँ। और यहाँ पे हम इस मसाले में अच्छे से सब्जियों को कोट कर देंगे। और आप देख ही सकते हैं कि सब्ज़ी और मसाला मिक्स हो चुका है, तो इसमें हम थोड़ा हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। पकते में हरा धनिया डाल दो तो अच्छे से फ्लेवर और खुशबू आती है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा हम ऊपर डालेंगे और आधा हम इसे पकते में डाल देंगे। ये हमारी सब्ज़ियाँ अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे इतना कि हमारी सब्ज़ियाँ गल जाएँ। सब्ज़ी गलने जितना हम इसमें पानी डाल देंगे और इसे हम ढाक के रख देंगे सिम गैस पे 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे तो देखिए हमारी यहाँ पे सब्ज़ी अच्छे से गल चुकी है और इसमें तेल भी ऊपर आ चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तो हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है, जिस तरह के आप देख ही सकते हैं। और बहुत ही ईजी तरीके से हमने इस सब्ज़ी को बनाया है। और साथ में हम ऐड कर देंगे इसमें हरी मिर्च, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मिर्च डालें जितनी की आप पसंद करते हैं। और यहाँ पर हमने हरी मिर्च डालने के बाद इसको हम कर लेंगे प्लेटिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी सब्ज़ी झटपट से बन के तैयार हो चुकी है। अगर आपको इसी तरीके से बनाई हुई गोभी मटर की सब्ज़ी पसंद आती है तो आप शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय भी कीजिए ताकि आपकी फैमिली में भी आप अपने फैमिली के साथ अपनी मनपसंद चीज़ें बना के ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय।